Assalamu alaikum, second year. How are you? I hope you all are fine and enjoying your classes. Uh, I am Ms. Nishat Fatma, once again here with your online lectures of biology second year. And uh, I really hope to get your positive response towards these classes and uh, be serious. ठीक है अपना एटीट्यूड आपने सीरियस रखने और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और रिस्पांस भी करना है ठीक है तो वी वर स्टडिंग चैप्टर नंबर सेवनटीन एंड देट वॉज अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल तो चैप्टर नंबर सेवनटीन का हमने कुछ पोर्शन स्टडी कर लिया था ठीक है जब तक आपकी वेकेशंस नहीं हुई थी लेकिन नेक्स्ट उसका कुछ पार्ट रहता है जो कि अब हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो आपने अब तक पढ़ लिया था हम लोग पेरीफ्र नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे ठीक है तो उसमें आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक है तो लेट्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओके सबसे पहली बात ये है कि आपको थोड़ा सा पीछे से पता होना चाहिए ठीक है सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपका जो बॉडी तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज है वो बॉडी तक कौन सी न्यूरॉन्स के ज़रिए से जाता है ठीक है तो मोटर न्यूरॉन्स आपने पीछे पढ़ा होगा मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से मैसेज जो है वो सी एन एस सेंटर नर्वस सिस्टम से बॉडी तक जाता है ठीक है तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए आप लोग साथ साथ मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोग साथ साथ रिकॉल करते जाइएगा अपना पिछला कॉन्सेप्ट भी ठीक है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब ऐसे रिस्पॉन्स को ये करेगा जनरेट जो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर होते हैं ठीक है अच्छा सबसे पहले ये काम क्या करता है कंट्रोल्स इन वॉलेंट्री रिस्पॉन्स बाई इन्फ्लुंसिंग उसने ये कहा कि इन वॉलेंट्री मतलब ऐसे रिस्पॉन्स जो कि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते जो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक होते हैं हम उनको कहते हैं ये है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो स्टमिक के अंदर फूड की डाइजेशन हो रही है ठीक है उसके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं है कि हम उसको रोक दें या उसको चला दें ठीक है अब हमारी स्टमिक के अंदर जो हमारी स्टमिक के मसल्स हैं वो कॉन्टेक्ट और रिलैक्स करते हैं और वो इनवॉलेंट्री है उन्होंने होना ही होना है ठीक है क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से हो रहे हैं वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकते ठीक है तो ऐसे रिस्पॉन्स जो हमारे कॉन्शियसली हम कंट्रोल नहीं कर पाते उनको कहते हैं इन वॉलेंट्री अब ये इन वॉलेंट्री किन के जरिए से होते हैं बॉडी के अंदर तीन तरह के जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं उसमें ग्लैंड स्मूथ मसल्स एंड हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स ठीक है हमने ये पढ़ा था कि असल में हम लोग पढ़ क्या रहे थे कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो उसके नतीजे में बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो एज इफ़ेक्टर काम करके उसका इफ़ेक्ट कॉज करते हैं ठीक है तो इनवोलेंट्री जब रिस्पॉन्स होते हैं तो कौन सी चीज़ें बॉडी के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट कॉज करती हैं उसमें ग्लैंड आ जाते हैं बॉडी के स्मूथ मसल्स आ जाते हैं एंड अबाउट स्मूथ मसल्स यू हैव रेड अबाउट दिस इन योर लास्ट चैप्टर ठीक है आपने स्पोर्ट एंड मोवमेंट में इसके बारे में पढ़ा था उसके बाद ग्लैंड आ जाते हैं ग्लैंड हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है ये और उसके बाद ऑर्गन्स बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं ठीक है अच्छा अब है आगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की डिवीज मतलब इसको क्लासिफाई किया गया है इसकी दो डिवीज़ है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ठीक है एंड इट्स नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आगे मैं इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगी कि पैरासिम्पथेटिक क्या होता है और सिंपथेटिक क्या होता है इट शुड बी नोटेड बोथ ऑफ दिस सिस्टम्स ऑटोमेटिकली इनरवेट द इंटरनल ऑर्गन्स मतलब ये है कि ये दोनों सिस्टम जो हैं ये ऑटोमेटिकली बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक मैसेज लेकर जाते हैं इनरवेट का यही मतलब होता है कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचना ठीक है बट बाई यूटिलाइजिंग किसके जरिए से मैसेज जाता है वन गेंगलिया एंड टू मोटर न्यूरोस एक गेंग्लिया और दो मोटर न्यूरोस अब ये होता किस तरह से इसका क्या मतलब होता है कि एक गेंगलिया और दो मोटर न्यूरॉन्स मतलब ये होता है कि एक मोटर न्यूरॉन स्टार्ट पे आती है ठीक है और दूसरी मोटर न्यूरॉन एंड पे आती है दरमियान में एक गेंगलिया मौजूद होता है जिसके ज़रिए से मैसेज जो है वो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स तक कन्वे होता है समझ लगी इस बात की अब होता इस तरह से है कि जब सी एन एस से एक मोटर न्यूर आती है ना ठीक है तो हम उसको बोलते हैं प्री गेंगलियॉनिक नर्व मतलब जो गेंगलिया से पहले आती है ठीक हो गया अब उसके बाद दरमियान में एक गेंगलिया आ जाता है ठीक है और उसके बाद फिर एक नर्व मोटर न्यूरोन आती है जिसको हमने कहा था पोस्ट गेंगलियॉनिक नर्व मतलब जो गेंगलिया के बाद आती है ठीक है तो तीन चीजें हैं जो मैसेज लेकर जाती हैं एक गेंगलिया और दो मोटर अच्छा ये मैंने आप लिख भी दिया यहाँ पर कि ये सी एन एस है ठीक है यहाँ से मैसेज जाएगा एक मोटर न्यूरॉन के जरिए से फिर गेंगलिया दरम्यान में आएगा और उसके बाद दूसरी मोटर न्यूरॉन आएगी और बॉडी तक मैसेज आएगा ठीक है इसमें आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन जो सी एन एस और गैंगलिया के दरमियान न्यूरॉन जो है मैसेज कन्वे कर रही है उसको हमने कहा है प्री गेंगलियोनिक मतलब जो गेंगलिया से पहले आती है और उसके बाद बॉडी तक मैसेज लेकर जाना है गेंगलिया और साथ में एक न्यूरॉन जो जिसके हमने कहा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन मतलब जो गैंग्लिया के बाद आती है और बॉडी से पहले आती है ठीक है तो ये दो चीज़ें एक गैंग्लिया और दो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं मैसेज बॉडी तक लेकर जाती हैं इस सिस्टम में इस तरह से होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है अब आगे हम उसकी डिवीज के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ठीक है सबसे पहले इसकी अनोटमी है अनोटमी का क्या मतलब होता है कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी न्यूरॉन्स काम कर रही हैं ठीक हो गया तो मोस्ट गेंगलियनिक फ़ाइबर्स अराइज़ फ्रॉम मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉड अच्छा हमारे पास उसने कहा कि एक स्पाइनल कॉड है सबसे पहले ऊपर ब्रेन है ठीक है आप ये समझ लें कि एक लंबी ट्यूब है स्पाइनल कॉड की एक लंबी सी नर्व है स्पाइनल कॉड की ठीक है तो उसने कहा कि स्पाइनल कॉड के मिडल वाले पोर्सन से गेंगलियॉनिक फाइबर्स जो है डिफरेंट वो अराइज़ होंगे अच्छा बच्चों आप लोगों ने परेशान नहीं होना आप लोग अभी समझें इसको तो मैं आपको जब आपकी क्लास होगी ठीक है तो मैं आपको इसके पिक्चर सेंड कर दूंगी ठीक है तब आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी और साथ साथ तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी तो उसने ये कहा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड का मिडिल पोर्शन होता है वहाँ से गेंगलियॉनिक फाइबर जो है वो निकलते हैं ठीक है एक आ, ठीक है तो उसने कहा टर्मिनेट इन गेंग्लिया दैट लाई नियर द स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से निकलते हैं ठीक है और टर्मिनल एंड जो होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का वहाँ पर ये नीचे तक फैलते हैं ठीक है एक दरमियान का उसका पोर्शन और एक है टर्मिनल टर्मिनल मतलब एंड वाला पोर्शन ठीक है इन गैंगलिया दैट लाए नियर स्पाइनल कॉर्ड वो गैंगलिया जो कि स्पाइनल कॉर्ड के टर्मिनल एंड पे होता है एंड पे होता है उसको वहाँ से निकलते हैं फंक्शन क्या करता है ये वाला सिस्टम जो है ये सिस्टम ऑफ एमरजेंसी इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ एमर एमरजेंसी मतलब ये आ, उस वक़्त रिस्पॉन्सिट करता है जब हमारी हम, हम किसी एमरजेंसी सिचुएशन में होती ठीक है अब बल्कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है आ, दो हमारे पास हार्ट है ठीक है तो हार्ट की तरफ दोनों सिस्टम जाएंगे जब भी कोई रिस्पांस जनरेट करना होता है सिम्पथेटिक भी और पैरा भी ठीक हो गया तो उसने ये कहा कि लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा अगर इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो वहाँ पर सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ़ फ़ाइट एंड फ्लाइट तो फाइट एंड फ्लाइट इस वजह से कहा गया है कि उसी वक़्त इंसान को कुछ समझ नहीं आता जब या तो फ़ाइट होती या फिर फ़्लाइट होती है ठीक है तो दोनों ही इमरजेंसी की सिचुएशंस होती हैं उसके बाद है होता क्या है इसमें इफेक्ट क्या करता है ये कॉज हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देते हैं इनहिबिट डाइजेशन जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो हमारी डाइजेशन टोटली जो है वो रुक जाती है ठीक है डायलेट प्यूपिल डायलेट प्यूपिल मतलब जो हमारी आंख के अंदर आपको नजर आता होगा कि एक सर्कल बना हुआ है सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है उसको बोलते हैं प्यूपिल और वो डायलेट डायलेट मतलब फैल जाता है मतलब हम आंखें ऐसे खुली कर लेते हैं ना तो उसको कहते हैं डायलेशन अब ये होता क्यों है जब एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो दिमाग ने ज़्यादा सोचना होता है ठीक है तो जब प्यूपिल डायलेट होता है तो इससे लाइट की रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है लाइट की रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी तो हमें चीज़ें देखने में और समझने में ज़्यादा आसानी होती है आगे है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इसकी अनोटमी क्या है करेनियल नर्वस इंक्लूडिंग वेगस नर्व अच्छा करेनियल नर्व वो नर्व होती है जो कि दिमाग से निकलती है ब्रेन से निकलेगी इंक्लूडिंग वेगस नर्व ठीक है अब जो करेनियल नर्व्ज होती है ये छोटी छोटी सी नर्व्ज होती हैं ठीक है और उसमें से दिमाग में से एक बड़ी नर्व निकलती है जो साइज़ में बहुत बड़ी होती है उसको बोलते हैं वेगस नर्व नर्व्स नर्व फ्रॉम टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और उसके अलावा कौन सी नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के एंड वाले पोर्शन से निकलती हैं ठीक है ये दो तीन चीज़ें मिलकर बनाती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक वेगस नर्व करेनियल नर्व्स और टर्मिनल पोर्शन की नर्व्स ठीक हो गया फंक्शन क्या है इसका ये रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अच्छा ये क्या करते हैं कि जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है उस वक्त काम करते हैं मतलब कोई रेस्ट कंडीशन में ये नहीं कि सो रही है बॉडी मतलब ये है कि जब कोई एमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती नॉर्मल कंडीशन होती तो उस वक्त पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और हमारे डाइजेशन को तेज़ कर देता है हार्ट बीट को डिक्रीज़ कर देता है मतलब घबरा देखिए एमरजेंसी है तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी डाइजेशन को प्रमोट कर देता है और कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपल मतलब प्यूपल अपनी वापस पोजीशन पर आ जाता है डायलेशन नहीं होती कंस्ट्रिक्शन हो जाती है उसकी तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पैरासिम्पथैटिक और जो है वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा बच्चों मैंने आपको मैं आपके इसकी डायग्राम्स लाजमी शेयर कर दूँगी ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में ठीक है लेकिन आपने ये पॉइंट्स अच्छी तरह से याद कर लेने और एज़ इट इज़ आप इसको लिख भी सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको लेक्चर में दिया है और नोट भी आप इसी तरह से इसको कर लीजिएगा ठीक है अल्लाह हाफिज़